हेलो फ्रेंड्स, चलो आज न्यू चैप्टर 11th के पोर्शन को लेके आते हैं। तो 11th में सबसे पहले देखो, एनसीईआरटी में जो ट्रेंड दिए हुए हैं तो उसको थोड़ा सा तब्दीली की ज़रूरत है। एक्चुअली बहुत सारे फॉरेन राइटर की बुक देखो आप, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले नज़र आएगा सेल डिवीज़न, बायोमोलिकल्स इस टाइप से। क्योंकि आप पहले किसी इंडिविजुअल को पढ़ोगे, उससे पहले जो है आपको पढ़ना होगा कि सेल क्या है। मतलब कि किसी ने कोई जितने भी जीव है इस धरती पे, सबके सब ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं सेल से, ये तो पता है। तो बेसिक चीज़ें उसको जानना पड़ेगा कि सेल के कंडीशन में आप सेल बने कैसे। सेल का जो है सेलुलर स्ट्रक्चर जो है उसको भी थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। तो आप सोच सकते हो कि सेल से पहले, मतलब कि सेल से बहुत ही पीछे जा कर के हमें पता करना होता है कि सेल किस चीज़ों से बना हुआ है। तो आप लोग जैसे कभी एक श्लोक सुने होंगे कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिलत रचत अदम शरीरा। मतलब कि इतने बड़े शरीर जो बने हैं वो पांच तत्व से मिल के बने हुए हैं। मतलब क्या क्या? क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, मतलब समझ में आ रहा है, धरती, आकाश, पानी, आग, हवा, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे चीज़ें, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सब के सब एलिमेंट्स मिल करके क्या किया है, कोई एक ऑर्गेनिज्म को बनाया है। तो ऑर्गेनिज्म किस चीज़ों से बना हुआ है? एक बेसिक यूनिट जो सेल से बनी हुई है, ठीक है ना। तो सेल को पढ़ने के लिए हमें तो पहले इस सिनेरियो को क्रॉस करना पड़ेगा कि भैया आप जो है सेल पढ़ोगे, उससे पहले जो है सब सेलुलर लेवल को लाओ। मतलब कि सेल से प्रीवियस जो भी चीज़ें आपको करना है कि सेल से पहले क्या आया, ठीक है ना, धरती पे, और उससे मिल मिल के सेल बना, और सेल से मिल के क्या बना, टिश्यू बना, और टिश्यू से मिल के क्या बना, ऑर्गन बना, ऑर्गन से मिल के बहुत सारा ढेर सारा ऑर्गन से मिल करके ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम से मिल करके कोई इंडिविजुअल बन गया, कोई ऑर्गेनिज्म बन गया। तो इट्स अ बेसिक सिनेरियो ऑफ द बायोलॉजी। मतलब कि ये टोटल एक लाइन में अपन कह सकते हैं, तो एक मतलब बायोलॉजी का प्लेटफॉर्म आपने बना दिया। तो सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ही अपन बात करेंगे कि सब सेलुलर लेवल को कैसे डिफाइन करेंगे, तो चलो आज मैं बेसिक फंडा को लेकर के आपको पूरा का पूरा सेल के चैप्टर की जो है ऐसी की तैसी करने वाले हैं। आप पूरे चैप्टर तो नहीं, मतलब कि इनिशिएशन है, इट्स ए इंट्रो पार्ट ऑफ द सेल साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी। तो क्या क्या है इसका, क्या क्या, कौन कौन सा साइंटिस्ट का हिस्ट्री है इसमें, कौन कौन से साइंटिस्ट ने इसमें पार्टिसिपेट की, और क्या क्या के सेल थ्योरी कहाँ से आए, सेल थ्योरी का एक्सेप्शन क्या है, और सेल थ्योरी कैसे प्रपोज किए, सेल थ्योरी का मॉडिफिकेशन क्या हुआ, सेल लीनियज थ्योरी क्या है। फिर जो है अपन बात करते हैं कि वहाँ पे बात करेंगे हिस्ट्री में क्या क्या, एंटनी वॉन लीवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, रोडोल्फ वर्चू, ठीक है ना, वहाँ पे स्लाइडन एंड स्वान, सेल थ्योरी के मॉडिफिकेशन, सेल थ्योरी क्यों फेल कर गया स्लाइडन एंड स्वान का, और कैसे जो है आपका यहाँ पे मतलब कि वर्चू ने सेल लेनियस थ्योरी जो सेल डॉक्ट्राइन के माध्यम से, मॉडिफाइड सेल थ्योरी के माध्यम से उन्होंने प्रूव कर दिया है कि जो लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम वेयर, तो स्लाइडन एंड स्वान भाई साहब ने आंसर नहीं करे। उस सारे के सारे जितने भी गुत्ती है, मतलब अपन सेल को ऐसे पढ़ेंगे कि बिना सेल के पढ़े हुए भाई आप कोई चैप्टर को नहीं कर सकते। मतलब बायोलॉजी बहुत ही धांसु कंसेप्चुअल है, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आँख बंद करके बिल्कुल पहले सेल, देन फर्दर चैप्टर, ठीक है ना। बिना सेल का आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। तो चलो वापस आते हैं हम बिना टाइम गवाए हुए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बात कर लूँ, तो आपको क्या बात करूँ, तो जो चैप्टर अपने को पढ़नी है वो चैप्टर का नाम क्या हो जाएगा जी, सेल। मतलब सीधे शब्दों में बोलो तो साइटोलॉजी, ठीक है ना, साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी, मतलब इसमें अपन पढ़ने वाले हैं। जो मतलब कि चैप्टर नंबर जो है आपका 8 है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है ना। बट हमारे ख्याल से जो न्यू कमर बच्चे हैं उसको पहले सेल डिवीजन, बायोमोलिकल्स, ये सब मस्ट है। तो मतलब कि इस तरीके से, फिर लिविंग वर्ल्ड, फिर जो है प्लांट डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम, इस तरह से सीक्वेंस करके फिर चलते रहेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि आप चलो उस हिस्से पे जहाँ पे अपन बात करने वाले हैं सेल से। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, आपको दिखने में एकदम बिल्कुल आसानी हो जाए। और यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि आपका
क्या सिनेरियो बन सकता है। तो चलो अपन बात करते हैं सेल का, और वहाँ पे जाने के बाद आपको दिखाएगा कि मतलब कि उस एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं क्या लिखे हुए वहाँ पे, उस जगह पे क्या लिखे हुए हैं, द यूनिट ऑफ लाइफ, पूरी जिंदगी का, पूरी के पूरे अपने लाइफ का जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक फंडामेंटल, एक बेसिक यूनिट हो तो क्या है, सेल है। एज लाइक जिस तरह से ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग को बनने के लिए ईंट की जरूरत होती है, तो ईंट एक बेसिक यूनिट है, एक मूलभूत इकाई है, ठीक है ना। उसी तरह से हमारे बॉडी को बिल्ड करने के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी को बिल्ड करने के लिए एक यूनिट चाहिए, यूनिट से मिल मिल करके वो ऑर्गेनिज्म बनेंगे, तो एक यूनिट क्या होगा जी, सेल होगा। तो सेल का कंडीशन क्या है कि सेल को अपन क्या बोलते हैं, सेल इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। सेल क्या करते हैं, हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं, तो बिल्डिंग ब्लॉक हो गए। जिस तरह से ईंट क्या करते हैं, इस बिल्डिंग को बनाते हैं, उसी तरीके से एक सेल जो है हमारे बॉडी को क्या करते हैं, सेल से मिल के क्या बनते हैं, मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म, जो यूनिसेलर कंप्लीटली एक सेल से बने हुए हैं। अपन देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, एक तो एक सेल से बने होते हैं यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जो, और दूसरी जो बहुत सारे सेल से बने होते हैं एज लाइक ह्यूमन, डॉग, कैट, फ्रॉग, जो भी है, ये मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे, ढेर सारे, हम जो मिलियन बिलियंस एंड ट्रिलियन सब सेल से बने होते हैं। और ये सेल कैसा होता है बेटा, एकदम माइक्रोस्कोपिक होता है, जिसको अपन क्या कर सकते हैं कि नेकेड आई से बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए क्या चाहिए हमें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप। इनिशियली जब कभी भी बात करेंगे, बहुत दिनों के बाद अपने को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की चर्चा करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक व्यू भी अपने को देखना पड़ेगा। तो जनरली जब तक हम जो है सेल मेम्ब्रेन नहीं पढ़ते हैं, सेल मेम्ब्रेन तक हम जो बात करेंगे, वहाँ तक जो बातें होगी आपकी, एक लाइट माइक्रोस्कोप की बातें होंगे, जो स्लाइड मतलब कि एक सिंपल सा ग्लास माइक्रोस्कोप के जरिए जो है हम बात करेंगे, जो बहुत सारे साइंटिस्ट बनाए, रॉबर्ट हुक भी पहले भाई साहब अपने से बनाया हुए जो माइक्रोस्कोप को यूज करे, उसके बाद जो है आपका एंटोनी वॉन लेवेनहॉक, इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है, फादर ऑफ प्रोटोजोलिस्ट क्यों कहा जाता है, माइक्रोस्कोपिक मतलब कि इनके नाम से क्रेडिट है, मोर देन 200 टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप आर फॉर्म बाय द एंटोनी वॉन लेवेनहॉक, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी। चलो ये सब बातें अपने करने को है आगे, चलिए सारे के सारे पॉइंट वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा, देखो साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी, मतलब कि सेल को दो एस्पेक्ट में अपन स्टडी करते, सेल को दो एस्पेक्ट में स्टडी करते, यूनिट ऑफ लाइफ को दो एस्पेक्ट में स्टडी करा जाता है, एक तो साइटोलॉजी, दूसरा क्या है, सेल बायोलॉजी। अब साइटोलॉजी क्या है, तो एंशियंट टाइम में पहले चला करता था कि भाई साइटोलॉजी क्या होता है, तो सिंपल शब्दों में कहते थे कि सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी, मतलब कि सेल की कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। तो सिंपली क्या, किस तरीके से, स्ट्रक्चर वाइज या फंक्शन वाइज, क्या किस तरीके से, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे अपन बात करते हैं कि सेल की यदि स्ट्रक्चर वाइज स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चरली स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज बेटा साइटोलॉजी। दोनों एस्पेक्ट में डिफरेंस है, एक सिर्फ हम स्ट्रक्चर वाइज मतलब स्टडी करते हैं सेल का, और दूसरे में किसकी बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों की बात करते हैं। मतलब कि स्ट्रक्चरली ये हमारी बॉडी को, जैसे मान लो कि ये ईंट से बना हुआ ये बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग क्या काम करती है भैया, हमको रहने के काम करती है, हमें छत देती है, मतलब कि ये उसके फंक्शन हो गया कि जिसमें हम उसके इनसाइड रहते, ठीक है ना। उसी तरह से सेल के एक पार्टिकुलर फंक्शन होगा कि सेल के अंदर कुछ ना कुछ काम होगा, और सेल मिल मिल करके क्या करेगा, इंडिविजुअली सेल जो एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है वो भी क्या करते हैं, सारे काम करते हैं जीवन के, सब पूरे लाइफ के सारे काम होते हैं, तो इसका मतलब है कि वो सर्वाइव होते हैं, तब जीवित रहते हैं। तो इसी तरह से सारे सेल मिल करके उसी तरह के काम करेंगे और क्या करेंगे, हम सर्वाइव करेंगे, ठीक है ना। तो उसकी फंक्शन हो गया, मेटाबॉलिक हो, फिजियोलॉजी हो, जो भी फंक्शन हो, सारे के सारे फंक्शन किसके अंदर, सेल के अंदर होते हैं, देन वी आर अलाइव स्टे हेयर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि स्ट्रक्चरली यदि हम स्टडी करते हैं तो उसे बोलते हैं क्या भाई, साइटोलॉजी, स्ट्रक्चर, एक ही चीज को, स्ट्रक्चर वाइज। यदि हम क्या करें कि स्ट्रक्चर और फंक्शन, मतलब कि स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली एस्पेक्ट में यदि हम सेल की स्टडी करें, तो दैट इज नॉन एज क्या, सेल बायोलॉजी। देखो बेटा याद कैसे रखोगे, साइटोलॉजी सेल बायोलॉजी में डिफरेंस, ये एंशियंट टाइम में यूज होता था, मॉडर्न टाइम में यूज होता है सेल बायोलॉजी। यहाँ पे दो टर्म है, सेल और बायोलॉजी, तो यहाँ पे भी दो वर्ड को लेकर के, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल स्टडी ऑफ सेल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्टडी ऑफ सेल इज नॉन एज क्या, साइटोलॉजी। ये हो गया। अब बात है कि बार बार सेल सेल भूखे जा रहे हैं, लेकिन सेल होता क्या है भाई,
सेल कुछ तो कुछ होता होगा कि भैया ये सेल होता क्या है। तो चलो अपन बात करते हैं कि सेल को बोला जाता है कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आर बॉडी, मतलब कि सेल क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं हमें, दैट्स व्हाई इट इज नॉन एज क्या, बिल्डिंग ब्लॉक। कहने का मतलब एक यूनिट है, जिस तरह से इस बिल्डिंग की एक यूनिट क्या हो गया, ईट हो गया, ब्रिक हो गया, उसी तरह से हमारे बॉडी का एक यूनिट क्या हो गया, सेल हो गया। तो अब डेफिनेशन क्या है, एक तो डेफिनेशन हो गया इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। दूसरा कंडीशन है, दूसरा डेफिनेशन की बात करते हैं, तो सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस जीवन की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं जी, सेल बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं, ठीक है। अब कंडीशन क्या है कि जैसे हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं बेटा, तो बहुत ही ज़बरदस्त है कि इसके सेंस में अपन क्या क्या बात करेंगे। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के कंडीशन में अपन बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से अपन बात करेंगे कि ये कैसी, अपन एक लाइन में पूरे के पूरे बायोलॉजी को पढ़ लेंगे, समझ में आ रहा है। मतलब कि एक लाइन में जो है, एक आप लाइन डायग्राम देख रहे हो, ये लाइन डायग्राम दिख रहा है ना, ये लाइन डायग्राम जो है पूरा का पूरा ये लाइन डायग्राम है। तो इस लाइन डायग्राम के जरिए अपन क्या कर सकते हैं, पूरे का पूरे बायोलॉजी को पढ़ लेंगे एक लाइन में। तो बट इतने रही, इसी को पढ़ने के लिए अपने को कितना चाहिए, 2 ईयर्स चाहिए। तो मतलब कि सबसे पहले अपन बात करते हैं सब सेलुलर लेवल, जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है बेटा, सब सेलुलर सेल से पहले तक के बात करते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ क्या, कि हमने कहा कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिलत रचत अदम शरीरा। मतलब कि क्षिति, समझ में आ रहा है ना, आकाश, जल, वाटर, ठीक है ना, पावक, फायर, अग्नि, आग, गगन, हवा, गगन आकाश, समीरा हवा। तो मतलब कि जल, पानी, हवा, आग, धरती, आकाश, ये सब पांच तत्व मिलकर के एलिमेंट्स है भैया। हम कहते हैं कि यहाँ एयर में बहुत सारे एलिमेंट्स है, अरे भाई कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे के सारे चीज़ें हैं यहाँ पे, एयर का कंपोजिशन है तो उसमें होगा। तो यहाँ पे बात करें तो एटम में क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत सारे हैं जितने भी एलिमेंट्स पीरियडिक टेबल में सब, उसकी अपन क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं एटम का, तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है, वाटर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, H2N2O2। तो ये क्या करिएगा कि मतलब एटम के ग्रुप को अपन देखें तो बताया क्या कि मॉलिक्यूल हुआ, मॉलिक्यूल की जब ग्रुपिंग करेंगे, मॉलिक्यूल का जब ग्रुपिंग करेंगे तो कंपाउंड बनेगा, कंपाउंड के कंडीशन वाटर बनेगा, CO2 बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा, प्रोटीन बनेगा, लिपिड बनेगा, अमीनो एसिड बनेगा, न्यूक्लिक एसिड बनेगा। न्यूक्लिक एसिड के कंडीशन में आपको 2 चीज़ें पढ़ना है बेटा, DNA और RNA। यहाँ पे जैसे ये कंपाउंड को अपन क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, तो उसके कंडीशन में क्या बनता है, सेल ऑर्गेनेल बनता है, एज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी बॉडी, बहुत सारे हैं सेल के अंदर, एक सिंगल सेल के अंदर। अब क्या कंडीशन है बेटा, जैसे ही अपन बात करते हैं यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अब ये सारे के सारे मिलकर के क्या बनाते हैं, एक सिंगल सेल बनता है, और सेल के ग्रुपिंग जैसे ये करते हैं तो क्या बनता है, टिश्यू बनता है। ग्रुप ऑफ सेल इज नॉन एज क्या, टिश्यू, अलग डेफिनेशन वहाँ पे लिखेंगे कि सिमिलर, समझ में, ऑरिजिन, फंक्शंस में और में नॉट, मतलब कि वहाँ पे डेफिनेशन की बात करेंगे, लेकिन सेल ग्रुप में आकर के क्या करते हैं, टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू ग्रुपिंग करेंगे बेटा तो क्या बनेगा, ऑर्गन, ऑर्गन ग्रुपिंग करेंगे तो ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम ग्रुपिंग करेंगे तो इंडिविजुअल, कोई एक ऑर्गेनिज्म क्या किया, बन गया। इतने बात समझ में आ रहा, मतलब कि यहाँ पे यदि एग्जाम्पल वाइज अपन बात करते हैं तो सेल ऑर्गेनेल के कंडीशन, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी बॉडी, ये सारे के सारे चीज़ें यहाँ पे जैसे ही करेंगे कि इससे क्या बन गया जी, उससे क्या बन गया, तो सेल बन गया। और सेल कैसा सेल बना था, स्टमक, अपन एक की बात करते हैं, स्टमक की सेल हो गया, और स्टमक की सेल को जैसे ही अपन देखेंगे, उसकी ग्रुपिंग करेंगे, टिश्यू बनेगा, तो गैस्ट्रिक एपिथेलियल टिश्यू, मतलब स्टमक के टिश्यू बनाएंगे। और वैसी ऑर्गन की बात करेंगे तो स्टमक के अलावा जो है लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बहुत सारे ऑर्गन जो है जाकर के वहाँ पे बनेगा, और वो सब ऑर्गन ग्रुप करके एक ऑर्गन सिस्टम को बनाएगा, दैट इज नॉन एज डाइजेस्टिव सिस्टम। और इस तरह के सिस्टम बहुत सारा, 10 सिस्टम हमारे अंदर, सबको ग्रुपिंग करेंगे तो हम बनेंगे, कोई इंडिविजुअल बन जाएगा, जैसे ह्यूमन बींग बन जाएगा, क्या है, रिस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम हैं,
सब सिस्टम मिल करके क्या बनेगा, एक ऑर्गेनिज्म। तो इट्स ऑल अबाउट योर बायोलॉजी इन अ सिंगल लाइन। एक सिंगल लाइन में आपने क्या किया बेटा, बायोलॉजी को पढ़ लिया। बट इतने नहीं है, इसको स्टे ट्यून, पूरा का पूरा वीडियो एकदम वॉच करिए। जो भी बच्चे हैं आजू बाजू सबको मतलब कि ये मतलब कि नॉलेज होना चाहिए बेसिक, अप टू थर्ड या फोर्थ से लेकर के जहाँ तक आप पढ़ते हो, खास करके मेडिकल और एग्रीकल्चर में, मेडिकल नीट और एग्रीकल्चर, मेडिकल नीट एम्स एग्रीकल्चर, ये सारे 12th 11th सब बच्चे के लिए, सारे बच्चे के लिए ये इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही धांसू लेक्चर है। तो बिल्कुल प्लीज़ वॉच कंटिन्यू अंटिल एंड ऑफ द लेक्चर, ऐसे नहीं जाने का। अब कंडीशन क्या है कि थोड़ा सा हिस्ट्री में अपन बात करते हैं बेटा, कि हिस्ट्री में किसको किसको बात करेंगे। तो हिस्ट्री में क्या किसको बात करते हैं कि हिस्ट्री में जैसे ही बात करते हैं तो अपने को बात करना पड़ेगा यहाँ पे ठीक है। हिस्ट्री में बात करते हैं तो साइंटिस्ट का कुछ नाम, मतलब कि कौन कौन साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन, किसका किसका कितना है, ये सारे के सारे साइंटिस्टों का नाम अपन देखेंगे। तो इसमें 3-4 साइंटिस्ट अपन शुरू में ही बोल दिए थे। तो सबसे पहला साइंटिस्ट का नाम जो क्रेडिट में जाता है वो साइंटिस्ट का है रॉबर्ट हुक, ठीक है ना। बट उससे भी पहले कि जैसे अपन बात करते हैं कि सेल टर्म जो देने वाला था, साइटोलॉजी टर्म जो देने वाला था, वो साइंटिस्ट का नाम था हर्टविग, ठीक है ना। तो हर्टविग ने साइटोलॉजी और सेल टर्म दिया। यहाँ पे अपन बात करते हैं तो सेल की डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट का नाम था क्या, रॉबर्ट हुक। इन 1665 1665 ईस्वी में एक बॉटल कॉक को उन्होंने क्या किया, तोड़ फाड़ दिया और अपने द्वारा जो माइक्रोस्कोप बनाया था भाई साहब, उससे वॉच करे, ऑब्जॉर्व करे, तो ऑब्जॉर्व करने के बाद देखा उनको हनी कम लाइक स्ट्रक्चर, मतलब मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटा छोटा घर, छोटा छोटा कंपार्टमेंट, हॉलो स्ट्रक्चर देखा और उस हॉलो स्ट्रक्चर को उन्होंने बोला सेलुला। और ये सेलुला ग्रीक वर्ड है, उसका हिंदी होता है, उसका 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 बायोलॉजिकल मीनिंग होता है सेल, ठीक है। तो वहाँ पे कौन सा कॉर्क जो दिया, वो ढक्कन का जो उसमें अंदर जो लकड़ी का एक राउंडेड स्ट्रक्चर बना होता है जो सील करती है, लीकेज को रोकती है, बॉटल से मेडिसिन हो या कोई भी चीज लीक कर रहा हो तो उसको लीक को रोकने के लिए बॉटल कॉर्क लगे रहते हैं अंदर में वुडेन, ठीक है ना, वो लकड़ी का है। मतलब कि जैसे ही अपन बात करते हैं पहला तो रॉबर्ट हुक के बारे में बात करते हैं। 65 इन सेल्स ऑफ कॉर्क सेल ऑफ स्पेनिश ऑक, इस स्पेनिश ऑक का जो है बायोलॉजिकल नेम होता है क्वार्कस सुबीर, ठीक है। बट साइटोलॉजी और सेल टर्म जो देने वाले साइंटिस्ट का नाम था क्या, हर्टविग। इसीलिए फादर ऑफ एंशियंट साइटोलॉजी जो कहा जाएगा, मतलब कि पुराने जमाने के जो साइटोलॉजी कहते हैं उसको दोनों मिला करके कहते हैं। प्लस साइन देख रहे हैं बेटा, प्लस साइन देख रहे हैं, मतलब कि हर्टविग एंड रॉबर्ट हुक, ठीक है ना। बट मॉडर्न साइंस, मॉडर्न साइटोलॉजी के फादर अपन कहते हैं डॉक्टर सीपी स्वांसन को। तो अपना इंडिया भी क्यों कम रहे, इंडिया कम है क्या भाई, आप लोग बताओ, बिल्कुल नहीं कम है। अपने इंडियन साइटोलॉजी के फादर बोला जाता है डॉक्टर ए के शर्मा को, ठीक है ना। अब चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। यहाँ पे जैसे ही अपन बात करते हैं तो फर्स्ट बात तो करिए लिए हैं, क्या क्या करें हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल सेल को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक। 1665 में कॉर्क सेल जो स्पेनिश ऑक से लिया, क्वार्कस सुबेरियो क्या है था, बॉटल कॉक था। तो ये बातें हो गई। अब बॉटल कॉक में एक्सपेरिमेंटेशन कैसे किए, कैसे किस तरह के बात आए, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटिंग मटेरियल के रूप में क्या लिया, बॉटल कॉक को लिया। सीधे तरीके से आप कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटिंग मटेरियल में क्या लिया बेटा, बॉटल कॉक को लिया और बॉटल कॉक को क्या किया, ब्रेक किया, टुकड़ों टुकड़ों में कर दिया। और टुकड़ों में करने के बाद इन्होंने माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया, ये देखिए ये ग्लास है, ये जो है हैंडल है, ठीक है ना। इसे पकड़ने के बाद मतलब कि इन छोटे छोटे चीज़ों को, यहाँ पे छोटे छोटे देखे टुकड़े हैं बॉटल कॉक का, ये क्या है बेटा, फ्रैगमेंट्स ऑफ बॉटल कॉक, बॉटल कॉक, बॉटल कॉक के छोटे छोटे टुकड़े हैं, ठीक है। तो इनको जैसे ही ऑब्जर्व किए तो ये हनी कम लाइक स्ट्रक्चर उनको दिखा,
मतलब कि यहाँ पे मधुमक्खी के छत्ता की तरह इनको स्ट्रक्चर दिखा, ये क्या है, छोटा सा स्मॉल जो है रूम दिखा, कंपार्टमेंट दिखा, जिनका नाम दिया सेलुला। इसका बायोलॉजिकल मीनिंग होता है सेल। ये हनीकम लाइक स्ट्रक्चर, ये छोटा कंपार्टमेंट दिखा, ये छोटे छोटे रूम्स दिखे छोटे छोटे, तो ये जो दिखा इन्होंने एक्सप्लेन किया अपने अपने, इन्होंने क्या किया, एक बुक लिखा जिस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। बहुत ही धांसू है बेटा, मतलब कि ये कई दफ़े आपका जो है नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप बिल्कुल इग्नोर नहीं करें, इसको लेके चले। यहाँ पे कह रहा है कि इनका कहना था कि ही सेज दैट इट इज़ नॉट अ डिस्कवरी ऑफ सेल, इट इज़ एक्चुअली डिस्कवरी ऑफ सेल वॉल, बिकॉज नेचर ऑफ सेल वॉल एंड कॉर्क आर सिमिलर टू वन अनदर। कॉर्क क्या था जी, जैसे ही पेड़ से काट करके ढक्कन बना दिए मर गया, और सेल वॉल का नेचर कैसा होता है, नॉन लिविंग, ठीक है ना, दोनों का नेचर एक जैसा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं जी भैया, इन्होंने कहा कि मैंने सेल का डिस्कवरी नहीं किया, किस चीज़ों का डिस्कवरी किया, तो इट इज़ ओनली डिस्कवरी ऑफ सेल वॉल, कोशिका भित्ति का डिस्कवरी किया। देखो वही लाइन लिखा है मैंने कि इट इज़ नॉट अ डिस्कवरी ऑफ सेल, इट इज़ एक्चुअली डिस्कवरी ऑफ द सेल वॉल, बिकॉज कॉर्क और सेल वॉल दोनों के दोनों कैसा होता है, डेड होता है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही बात करते हैं दोनों डेड है, तो दोनों को दोनों डेड है। अब दूसरे नंबर के साइंटिस्ट आते हैं 1683 में, जिसका नाम है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, ठीक है ना, आप देख सकते हो उसको, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, यहाँ पे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, मतलब कि इस जगह पे आप देख सकते हैं इसको, अच्छे से देख सकते हैं, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, दिखा दिखा कि नहीं दिखा, चलिए एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, यहाँ पे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक की बात करते हैं। ये पहली टाइम फर्स्ट टाइम सो द लाइव सेल, ये जिंदा सेल को, बहुत सारे क्वेश्चन आपको फिंगर टिप एट द एनसीईआरटी में आ जाएंगे, आप वहाँ पे देखना बिल्कुल। अभी अभी लेक्चर सुनो और तुरंत का तुरंत क्वेश्चन लगाना, क्वेश्चन लगाने के बाद आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा बनना चाहिए, बिल्कुल एमसीक्यू लगाना है आपको साथ में, एनसीईआरटी एमसीक्यू फिंगर टिप, एनसीईआरटी एट द फिंगर टिप, और तीसरे नंबर पर क्या कंडीशन है, क्वेश्चन बैंक एआईपीएमटी का, एग्रीकल्चर का, एम्स का, बिल्कुल आपके साथ में रहना है। जैसे ही लेक्चर ओवर हो आप लगाना स्टार्ट करो इनिशियली, ठीक है। तो यहाँ पे इनके एक्सपेरिमेंटिंग मटेरियल क्या था, इन्होंने क्या क्या कहा कि भाई ये जो है, ये जो लोगों से उब गए कि भैया देख जितने लोग हैं सबके सब कचरेपंती कर रहे हैं, सब नॉन लिविंग चीज़ों पे बात करी जा रही है, अब अपन करेंगे क्या, वो चीज़ें करेंगे जो कोई नहीं करे, इसका मतलब क्या करने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं लिविंग सेल्स को देखूंगा और डिस्कवरी करूंगा। तो इन्होंने क्या किए, प्लानिंग किए कि चलो मैं क्या करता हूं, गंदे गंदे चीज़ों पे, गंदे गंदे जगह पे जाना स्टार्ट किया, कैसे कहो गंदे गंदे जगह पे स्टार्ट किया। तो इन्होंने क्या किया कि कचरे में चले गए, नाली में घुस गए, मड मड समझते हो ना, कीचड़, उस नाली में घुसे तो कि कचरे निकाले तो उसमें देखे कि उनको बैक्टीरिया मिला, फिर जो है सीमेन स्पर्म, समझते स्पर्म में उन्होंने, सीमेन में उन्होंने देखा क्या, स्पर्म को, ब्लड लिए, ब्लड में क्या देखा, आरबीसी को, रेड ब्लड सेल्स को, लाल रक्त कण को, सलाइवा, मौत में जो आता है लार, उसमें देखा तो बैक्टीरिया दिखा, और इंसेक्ट के मसल्स में देखा तो उनको मसल सेल्स दिखा। जितने भी ये छोटे छोटे दिखे सब चलता फिरता हुआ देखा, दैट मींस कि इट इज अलाइव, ये क्या है, जिंदा है, ठीक है, जिंदा है। तो कह रहा है कि ऑल एवर टाइनी क्रिएचर्स इज नॉन एज क्या, एनिमलक्यूल, उन्होंने कह दिया स्पेशल नाम दिया इसका कि ये छोटे छोटे क्रिएचर्स, छोटे छोटे टाइनी क्रिएचर्स जो दिख रहा है, दीज क्रिएचर्स इज नॉन एज क्या, एनिमलक्यूल, बेटा इसको याद रखिएगा बिल्कुल। इन्होंने एक बुक लिखा जिस बुक का नाम है द सेक्रेट ऑफ नेचर, बिल्कुल आपको इग्नोर नहीं करना है, माइक्रोग्राफिया रिटेन बाय द Written by Robert Hooke and the Secret of Nature written by the Antony von Leeuwenhoek. बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, चलते रहना है, ठीक है। यहाँ पे आइए, यहाँ पे दूसरा बात अपन करने वाले हैं, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक इज नॉन एज क्या भैया, मतलब कि इनको क्या क्या बोलते हैं, इनको क्या क्या बोलते हैं,
एंटनी वॉन लीवेनहॉक को क्या क्या बोलते हैं। एंटनी वॉन लीवेनहॉक इज नॉन एज माइक्रोबायोलॉजिस्ट, इनके नाम से 200 टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप बनाने का क्रेडिट जाता है, दैट्स व्हाई ही इज नॉन एज मतलब कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट। इन्होंने क्या क्या, बैक्टीरिया को सबसे पहले सलाइवा में देखा चलता फिरता, इन्होंने मर्ड में प्रोटोजुआ को देखा है, इसलिए प्रोटोजुलॉजी, फादर ऑफ प्रोटोजुलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, सब के सब का या ये क्या है जी, ये फादर हैं, सब के जनक हैं, ठीक है ना। बैक्टीरियोलॉजी के फादर, माइक्रोबायोलॉजिस्ट के फादर, प्रोटोजुलॉजी के फादर, ये इसको कहा जाता है नॉन एज अ फादर ऑफ फलना फलना फलना, ठीक है ना। अब क्या बात हुआ बेटा कि सेल थ्योरी की बात आएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा सेल थ्योरी की बात करेंगे। तो इसमें कहा कि मतलब कि जैसे ही सेल थ्योरी की बात करेंगे तो 1839 में इनसे दो साइंटिस्ट रिलेटेड है, मतलब कि ये कैसे आए सेल थ्योरी, कहाँ से आए, किस तरीके से आए, अपन उसकी बात करेंगे। तो इसमें इन्वॉल्व कितने हैं, दो साइंटिस्ट, कौन कौन है, स्लाइडन एंड स्वान, कौन कौन है, स्लाइडन एंड स्वान। अब स्लाइडन के बारे में बात करें तो क्या बात कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए बेटा मैं क्या करता हूँ, स्लाइडन स्वान के बारे में बात करें तो पहला साइंटिस्ट है स्लाइडन और दूसरा साइंटिस्ट है क्या, स्वान, मतलब एमजे स्लाइडन और टीपी स्वान, ये सब नहीं, सिर्फ आप याद रखना कि एक स्लाइडन था दूसरा स्वान था। कैसे स्लाइडन याद रखोगे, तो स्लाइस ऑफ मैंगो याद रहेगा, स्लाइस ऑफ मैंगो खाने का मतलब मैंगो क्या है, प्लांट है, और उसका स्लाइस काटते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा काटते हैं, ठीक है ना। तो क्या इससे क्या दिमाग में आएगा कि ही इज अ बॉटनिस्ट, लेकिन कहाँ के हैं, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक जर्मन, जर्मनी का एक बॉटनिस्ट है, जो कब की बात किया, 1838 में, और ये ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट, इंग्लैंड के भाई से ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे जो 1839 में आए, ठीक है ना। और ये क्या थे जी, जूलॉजिस्ट थे, जंतु के मतलब कि ज्ञाता थे, और ये क्या थे, प्लांट के ज्ञाता थे। तो इनका कहना क्या था, उनका क्या ना क्या था, मैं दोनों को एक एक करके दिखाऊंगा, थोड़ा सा इसको छोटा कर लूं तब आपको व्यू होगा। चलिए यहाँ पे दोनों को व्यू करते हैं, तो ये क्या जर्मन बॉटनिस्ट स्लाइडन, और ये स्वान क्या है, क्या है, जियोलॉजिस्ट है, ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट, दोनों को याद रखिएगा। जगह का नाम भी कभी कभी पूछते हैं कि कहाँ के रहने वाले थे, ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट ऑप्शन में देते हैं, ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट, जर्मन बॉटनिस्ट है, इसे करके। तो इनका इन्होंने क्या किया, बहुत सारे प्लांट को एग्जामिन किया और देखा कि भैया जो प्लांट बने होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं, और उस सेल के ग्रुपिंग को क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, बिल्कुल। लार्ज नंबर ऑफ प्लांट ऑब्जॉर्ब दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है ना। इन्होंने कहा कि डिफरेंट टाइप ऑफ, इन्होंने स्टडी किया डिफरेंट टाइप के एनिमल का और देखा, रिपोर्ट किया दैट कि सेल हैड अ थीन आउटर लेयर नॉन एज क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, थीन मतलब कि सेल, एनिमल सेल जो होते हैं उसके ऊपर एक पतली सी कवरिंग होती है, जिस पतली सी कवरिंग को क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना। ही स्टडी प्लांट टिश्यू, और उन्होंने देखा कि प्लांट के सेल में क्या होते हैं, ऊपर में एक हार्ड कवरिंग होता है, जिसको क्या कहते हैं जी, आजकल सेल वॉल कहते हैं, इसको भी आजकल क्या बोलते थे, इसके कंडीशन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना, उस समय कुछ नहीं, थिन मेम्ब्रेन, ठीक है ना, और थिक मेम्ब्रेन, ठीक है। ये यूनिक कैरेक्टर जो दिखा आपको, किस में दिखा, प्लांट सेल में दिखा, किस में दिखा, प्लांट सेल में दिखा बेटा, कहाँ दिखा, प्लांट सेल के अंदर दिखा, कहाँ पे यूनिक कैरेक्टर कहाँ पे दिखा, प्लांट सेल में दिखा। और ये मतलब कि फॉर्मुलेट किए, दोनों मिलके फॉर्मुलेट किए क्या, सेल थ्योरी को, दोनों स्लाइडन एंड स्वान। इन्होंने क्या कहा कि पहला पॉइंट में कहा कि जितने भी जीव है बेटा, सारे के सारे जीव बने होते हैं सेल और सेल के प्रोडक्ट से, लैंग्वेज क्या है, एनसीईआरटी का लैंग्वेज है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट, सील और उसके प्रोडक्ट से बने होते हैं। और दूसरा बात इन्होंने बोला कि सील क्या है जी, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर जीवित जीव का और जीवन का जो है मूलभूत क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है सील, ठीक है ना। बट पब्लिक ने क्वेश्चन पूछा है कि बार बार बेटा सील बोल रहे हो आप, बट ये सील आए कहाँ से, दैट सेल्स कम्स फ्रॉम वेयर,
मतलब कि पूरे के पूरी जो है चुप्पी मार ली, मतलब कि इनके पास कोई मतलब कि कोई सेंटेंस, कोई शब्द नहीं था, बिल्कुल इनको नॉलेज नहीं था इसके बारे में, सेल थ्योरी के, सेल डिवीजन के बारे में। तो क्या करते बेचारे, कुछ नहीं करे, क्या करे कि ही डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम वेयर, कहाँ से आए, एक्सप्लेन नहीं किए थे, मारे गए, मतलब कि से मारे नहीं गए, मरे नहीं, मतलब कि इन्होंने क्या हुआ कि मतलब कि ये सेल थेरी थोड़ा सा आधे अधूरे पे रह गए। तो अब एक साइंटिस्ट फिर से आते हैं, जो साइंटिस्ट को बोले तो रडॉल्फ वर्चू, 1855 में आते हैं और क्या करते हैं, सेल लिनियज थेरी, सेल प्रिंसिपल, सेल डॉक्ट्राइन, मॉडिफाइड सेल थेरी, सेल लिनियज थेरी, सब की सब ये लाए। क्या लाए, इन्होंने अपने ही लैंग्वेज में बोले क्या भाई साहब कि ओमनीज सेलुला, ई सेलुला। अब लोगों को पता नहीं कि भैया ये जो है एक अलग स्पेनिश लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ओमनीज सेलुला, ई सेलुला, किसी को कुछ पता नहीं है। अब क्या करें, लोग परेशान हैं, लोग बाग क्या है, परेशान है, लोग बाग परेशान है, कुछ पता नहीं चल रहा था, इसको ट्रांसलेट करो। तो इन्होंने सेल लिनिएज, सेल प्रिंसिपल, मॉडर्न और सेल डॉक्ट्राइन और सेल लिनिएज थ्योरी, ये सब के सब इसी लाइन के थ्रू आए, ओमनीज सेलुला, ई सेलुला। तो क्या क्या किए, क्या करे कि यहाँ पे लोगों ने इनका क्या किया कि पोस्टमार्टम किया, मतलब कि उसकी वर्ड को जो है मतलब एक्सप्लेन किए, उसकी ट्रांसलेट करी गई, ओमनीज सेलुला, ई सेलुला। और ट्रांसलेट करने के बाद उनको पता चला कि न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, मतलब कि नया जो डॉटर सेल है पुराने वाले उपस्थित पेरेंट सेल, जनक सेल से आया है सेल डिवीजन के थ्रू, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किए कि देखिए मैं वही लाइन लिखा हूँ कि ओमनीज सेलुला, ई सेलुला का मतलब दैट इज ऑल न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट सेल बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। और इन्होंने क्या किए, सेल थ्योरी को मॉडिफाइड कर दिए। तो दो पॉइंट तो स्लाइडन एंड स्वान के एज एक्चुअली वही रहेंगे कि सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, वो बिल्कुल वही रहेंगे। दूसरे चीज़ें रहेंगे कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट, ये दो लाइनें दोनों के स्लाइड एंड स्वान के पॉइंट रहे। तीसरा पॉइंट जो मॉडिफाइड कर दिए, सेल थ्योरी को चेंज कर दिए पूरा के पूरे, पब्लिक के क्वेश्चन को, पब्लिक की जो मुंह खुली हुई थी उसको बंद कर दिए, बोले क्या कि भैया देख मैं तुम्हारी आवाज़ को शांत करने वाला हूँ। तो कैसे शांत करने वाले हैं, तो एक टर्म दिए ओमनीज सेलुला, ई सेलुला, और इसके कंडीशन में इन्होंने क्या बोले कि ऑल द न्यू डॉटर सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, ये करके अपना सेल थ्योरी को मॉडिफाइड कर दिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे कि हु गिव द सेल लिनियज थ्योरी, और हु गिव द मॉडिफाइड सेल थ्योरी, हु गिव द डॉक्ट्राइन सेल थ्योरी ऑफ डॉक्ट्राइन सेल ऑफ डॉक्ट्राइन, ठीक है ना। तो मॉडिफाइड सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी, तो कौन देने वाले थे, रडॉल्फ वर्चू 1855 ईस्वी में, कौन लाइन के थ्रू, ओमनीज सेलुला, ई सेलुला, आपको बहुत सारा। अब बेटा आता क्या है आपके पास कि बहुत सारे आपके बुक में भी दिए हुए हैं कि व्हाट आर द एक्सेप्शन, मतलब कि कुछ कुछ ऐसा सेल है, ऐसा जीव है जो क्या करते हैं, सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करती है, उसको अपवाद स्वरूप माना जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, सेल थ्योरी आपसे बोला जाएगा वायरस, बायरवाइड और प्रियॉन्स के कंडीशन में जो है सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है, ये सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करती। अब क्यों नहीं करती बेटा, क्योंकि ये सब जितने भी जीव है ये कंप्लीट जीव नहीं है भैया। वायरस को तो बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड लिविंग, भाई ये लिविंग पे है तो लिविंग की तरह एक्ट करेंगे, और नॉन लिविंग पे है तो नॉन लिविंग की तरह एक्ट करेंगे। तो भैया नेचर हुआ लिविंग वाला, क्या नहीं हुआ। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि इसमें ना तो एंजाइम है ना मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है, अरे भैया है क्या प्रोटोप्लाज्म, नहीं है, कोई भी सेल ऑर्गेनेल दिखता नहीं दिखता। तो जिस सेल के अंदर एंट्री करता हो उसके सेल ऑर्गेनेल उसके सारे चीज पे क्या करते हैं, उसके मशीनरी उसके एंजाइमेटिक सिस्टम को हैक कर लेता है, और उसके हिसाब से अपने हिसाब से उस सेल को चलाता है, कहता है कि मैं हुई। तो ड्यू टू लैक ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज अ एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, वायरस बायरवाइड प्रियॉन्स, समझ में आता है, ठीक है ना, ड्यू टू लैक ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब बात क्या है बेटा कि थोड़ा थोड़ा सा बात करेंगे, ज्यादा नहीं, मतलब कि यहाँ पे जैसे ही अपन बात करते हैं कि
अब मॉडर्न साइंटिस्ट के हिसाब से कहा जाता है कि असेलुलर जो सिंगल सेल से बने होते हैं वो भी ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, सेल थ्योरी का एक्सेप्शन होता है, एज लाइक एग्जांपल मोनरा, प्रोटिस्टा, वचेरिया, जंतुपैट, मतलब कि ये सारे के सारे जो है अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न साइंटिस्ट, ठीक है ना। अब क्वेश्चन है कि यहाँ पे सिमिलरिटी क्या क्या है, जो जो बहुत सारे सेल है, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, फलना चलना, आगे बात करेंगे, तो सब में डिफरेंस मतलब कि सिमिलरिटी क्या है, तो क्या हो सकता है जी, जेनेटिक मटेरियल सिमिलर होगा, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन सिमिलर होगा, मतलब कि बेस जो एन टू बेस की बात करते हैं सिमिलर होगा, सेल मेम्ब्रेन प्रोटोप्लाज्म सिमिलर होगा, सेम मेथड होगा डीएनए रेप्लिकेशंस का, डीएनए से डीएनए बनेंगे, सेमी कंजर्वेटिव मेथड से जो है डीएनए का क्या होगा रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव हम में भी प्रोकैरियोट में भी वैसे ही होगा, और सेम काइंड्स ऑफ द एरोबिक रिस्पायरेशन, ये सब के सब जो है सारे सेल में क्या होता है, सिमिलर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग नहीं मिलेगा बट मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा, बहुत ही धांसू चैप्टर है, बिल्कुल बने रहें एंड ऑफ द चैप्टर, मतलब कि जैसे जैसे मैं यूनिट लेके आता रहूंगा आपको लगा रहना पड़ेगा, बिल्कुल जो भी चैप्टर हो रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दो चैप्टर थोड़ा सा मैंने वीडियो डाला, थोड़ा सा तबीयत मेरी ख़राब थी, आज थोड़ा सा नॉर्मल फील कर रहा हूँ, आप लोगों की सपोर्ट, ठीक है ना, आप लोगों के सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स के वजह से तो मुझे भी हुआ कि चलो बनाते हैं। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स का क्या है, थोड़ा सा इसको करेंगे पहला तरीके से। यहाँ पे पहला मोड से हम क्या करते हैं, सेल को बैंड बजाते हैं, मतलब कि क्या करते हैं बेटा कि यहाँ पे एक ही तरीके से अपन करते हैं, ये पहला मेथड है, दूसरा मेथड करने वाले हैं आगे, तो बिल्कुल स्टे ट्यून विथ अस, ठीक है ना, एल एन बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन। चलिए एक सेल है हमारे पास जो यूकैरियोटिक सेल्स, तो प्लांट सेल को लेते हैं क्योंकि उसकी कंपोजिशन थोड़ा सा ज़्यादा, एनिमल सेल में क्या होता है सेल वाला नहीं होता है, प्लांट सेल में होता है तो एक एक्स्ट्रा है, तो टिपिकली है, ठीक है ना, जनरली हर जगह मिल जाएंगे। तो इससे क्या करते हैं, हमने सेल वाल को हटा दिया, सेल वाल को हटा दिया तो क्या बच गया सेल में, सेल मेम्ब्रेन विद द ऑल थिंग्स दैट इज नॉन एज क्या, प्रोटोप्लास्ट। इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट, नीट 2015 की क्वेश्चन है बेटा, देखना, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, प्रोटोप्लास्ट से सेल मेम्ब्रेन को हटा देते हैं तो क्या बच जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, समझ में आ रहा है ना, ये क्या बच गया, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म क्या हो गया, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, आगे चल के और डिस्कस करेंगे। अब क्या करते हैं कि प्रोटोप्लाज्म से अपन क्या करते हैं, किसको हटा लेते हैं, तो न्यूक्लियस को हटा देते हैं, तो न्यूक्लियोप्लाज्म, समझ में आ रहा ना, गए हो न्यूक्लियस ही हटा के तो न्यूक्लियोप्लाज्म, अब बच गया सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से सेल ऑर्गेनेल एंडोप्लाज्म रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया गॉल्जी बॉडी सबको हटा देते हैं, तो अब जो एक पानी बच जाता है उस पानी को क्या बोलते हैं, साइटोसोल और हायलोप्लाज्म, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए ट्यून रहिए और पूरे के पूरे वीडियो को एकदम देखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट्स करिए ताकि मैं आपके लिए न्यू वीडियो और मस्त वीडियो लेके आ सकूं, ठीक है, ऑल द बेस्ट।